खबर रीवा से है, जहां राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने महंगाई के विरोध में सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, जनता पर दोनों तरफ से कहर टूट पड़ा है। एक तो सरकार की तरफ से महंगाई की मार पड़ी है, महंगाई से जनता का जीना दुष्भर हो रहा है, और दूसरा सूखे के कहर से किसान परेशान है। आइए सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने क्या कहा है। जन्माष्टमी की सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद बधाई। आज पत्रकार वार्ता बुलाने का मेन मकसद ये था कि आज दोनों तरह से, खासकर रीवा जिले और अपने रीवा संभाग की जनता के ऊपर दोनों तरफ से कहर टूटा। एक तो सरकार की तरफ से महंगाई की मार पड़ी है, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई, उनका जीना गरीबों का दुर्लभ हो रहा है, और ऊपर से सूखा का जो कहर ढाया है उसने और उसको भयावह बना दिया है। सूखे के कारण आज किसान संसद में है, किसानों की मारे बोनी नहीं हुई, खेत पड़े हुए हैं, और किसान के साथ ही जो कृषि में लगे हुए मजदूर थे उनके सामने भी रोजी रोटी का संकट हो गया है, उनके पास भी काम नहीं मिल रहा है, और उसके साथ दूसरी समस्याएं भी पैदा हो गई हैं। और ऐसे निठल्ली सरकार बैठी हुई है जो कतई भी जनता के दुख और दर्द को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग सदन में भी बात उठाते हैं, आप सब लोग उसके साक्षी हैं, इतनी निर्लज्जता के साथ सरकार जवाब देती है कि कोई महंगाई है ही नहीं है, कोई गरीब दुखी नहीं है, कोई गरीब पीड़ित नहीं है, सब राम राज्य है, और गरीबी कांग्रेस के नेता लोग जबरदस्ती ढूंढ रहे हैं, गरीबी का नाम ले रहे हैं। के साथ आज तक किसी भी नेता, किसी भी सरकार ने इस तरह का जवाब नहीं दिया। जब भी इस तरह से संकट आता था, इस तरह की परिस्थिति आती थी, सरकार का पार्टी सर करके पार्टी दायित्व नहीं होता, सरकार का सबसे बड़ा दायित्व होता है देश की जनता, देश का गरीब, देश के मेहनत करने वाले लोग कि किस तरह से उनके जीवन में खुशहाली आए, किस तरह से उनको किसी भी मुसीबत और संकट से उबारा जाए, ये सरकार का दृष्टिकोण होता है। लेकिन इस सरकार का जो है निरंकुशता का जो व्यवहार है वो बहुत ही निंदनीय है। हेलो, और सरकार को चाहिए कि जरा सा भी अगर सरकार में वो है तो तत्काल माने सूखाग्रस्त घोषित करे रीवा संभाग को, और काम की व्यवस्था करे जिससे मजदूरों को काम मिले, और महंगाई जो गरीब माने जिससे त्रस्त हो रहा है। पहली बार यही मोदी जो है भाषण देते थे, सदन में भाषण देते थे कि जब दूध पर, दही पर, माठा पर, लस्सी पर अगर कर लग जाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। लेकिन आज उसी छाछ, माठा, दही, लस्सी, नमक पर जो है टैक्स लगा करके जो है और महंगाई बढ़ा दिया, जिससे आज गरीब त्रस्त है।